इस संसार में पानी को रोकने वाले पहाड़ भी हैं और पहाड़ को काटने वाली नदी का पानी भी है। पाप हो या पुण्य, भगवान उन सभी का फल देता है हमें। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से हम क्या पाते हैं। पाप करने वाले की पड़ताल करके न्यायपालिका तुरंत सजा देती है और भगवान उसका फल अगले जन्म में देता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कोर्ट जब तक दंड का फैसला करता है तब तक कुछ जिंदगियां खत्म हो चुकी होती हैं। इसीलिए अब भगवान दंड का फैसला तुरंत करता है, गलती करने के तुरंत बाद ही। तेजा के दोस्तों को मैंने एक बात कही थी, हम लोगों पर वो ऊपर वाला नजर रखता है, लेकिन ये तेजा कौन है ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखते हैं। क्या बात है? हेलो। ठीक है, वो सब बात तो रहने दे, अब अपनी हाइट वेट तो मुझे बताना। हेलो। हेलो, हाइट वेट बताना। हाइट और वेट जानना है? हाँ यार, वही तो पूछ रहा हूँ। मेरे लिए लड़की ढूंढ रहा है या मुझे नेक्स्ट ओलंपिक में भेज रहा है? अरे बात हो रही है यार। ठीक है, मैं तो सिर्फ तेरी हाइट पूछ रहा हूँ। हाइट होगी लगभग 8 फीट की। हेलो, ज्यादा हो गया क्या? तो 6 फीट लिख लो। इतनी होगी क्या? इतना तो नहीं है, लेकिन 5 फीट 2 इंच। राजपाल से तो ज्यादा ही हो। वेट हमारे अपने घर की वेट मशीन में तो 42 किलो आता है, उसे जिम में आकर बढ़ा रहा हूँ मैं। बाजू हटना छोटे, कोहनी लगी तो गिर जाओगे नीचे। वजन उठा रहा है क्या? क्या कहा? मैं वजन उठा रहा हूँ। तो पूछ रहा हूँ। मैं जिम में बॉडी बनाने नहीं आता, 2 किलिंग मशीन रख ली है मैंने। वो सब तो ठीक है यार। हाय सर। ये लड़की तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन ये बता कि अपनी बीवी का क्या करेगा तू? मेरी बीवी? हाँ। उसे तलाक दे दूंगा मैं। तलाक देगा? तलाक देने का कारण क्या है यार? कारण पूछ रहा है? हाँ यार, मुझे ना भी बताए लेकिन कोर्ट में तो पूछेंगे ही ना। क्या बताओ यार, अपने घर तक तो सारी बात ठीक थी। जब सारे मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ाए, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा। समझ में नहीं आया, अच्छी तरह बता ना। क्या हुआ पता है? जय बजरंगबली। बापरे, कष्ट तो निकल रहे हैं। हेलो बहन, आपके पड़ोस में मैं नई आई हूँ, आपसे जान पहचान करने के लिए चली आई। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या बहन, इतने छोटे बच्चे को जमीन में ऐसे छोड़कर बेफिक्र पेपर पढ़ रही हो? अरे बेटा मेरे राजा, ऐसे जमीन पर लेटते नहीं बेटा, ऐसा मत करो। अब मैं उठाती हूँ, आ जा बेटा, आ जा। क्या हुआ? उठा लिया, उसके बाद नहीं छोड़ा। जमीन पर खेलने की जिद कर रहा हूँ सोच कर, मुझे दर्द देखो, पिछवाड़े में नोच लिया। इसलिए उस रोड रोलर को मैं तलाक देना चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है यार, काम करो। क्या बे? मेरी बीवी गांव गई है यार। तेरी बीवी गांव गई है? फार्म हाउस में आज मजा करेंगे। फार्म हाउस में? हाँ, चित्रांगी को भी बुलाया है। चित्रांगी आ रहा है ना? आजा। तो घंटे में सब कुछ फाइनल करके तेरे पास आता हूँ, ठीक है? लाइट। मैंने अभी जो तेजा बताया था वो पीर त्रिमूर्ति नहीं, कोई दूसरा है। ये देखिए, मैं जिस तेजा की बात कर रहा था वो ये है। इंट्रोडक्शन करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली ये मत सोचिएगा। दारू के साथ किया गया इंट्रोडक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है, ये किसी ने कहा था, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरू किया। लास्ट पिक का तो मजा आ गया। अबे बेवकूफ, मेरे आते पहले छठा पिक देना चाहिए था ना। ये देख साला, बेकार में 6 पैक का पैसा वेस्ट हो गया है? आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। ओए भाषा बदल,
तुझे बोली बदलने को कहा था ना मैं यहाँ पर स्वामी नहीं हूँ। हाथ नीचे करो, तुम लोग जाओ, 10 मिनट बाद वापस आना। धन्यवाद स्वामी जी। तो अनराक्ष अनराक्ष क्यों मांग रहा है? ये रुद्राक्ष मैं अंदर रख लूं वरना लोग मुझे स्वामी कहेंगे। एक्सक्यूज मी, आपको क्या चाहिए? एक खनिज लवण जल दीजिए, मिनरल वाटर, नॉट जनरल वाटर। क्यों, आपको पचेगा नहीं क्या? नहीं पचेगा, इसे कल सुबह शाकाहारी कंदमूल और हेम्प, एक वेज सलाद, एक आइस बॉक्स, जाओ जल्दी लेकर आओ। ओके सर। अपनी भाषा बदल ले, वो आश्रम तक के लिए है। वो देखो, रंभा और उर्वशी का नृत्य प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है, वो देख। संन्यास में आपकी कौन सी कैटेगरी है? मतलब मेरे मुंह से जो पूजा सामग्री निकालते हैं वो हो, या फिर आप सिर्फ करोड़पतियों को ही योगा सिखाते हो, या फिर कार से उतरकर मखमली कारपेट पर चलते हुए लोगों को आप हाथ दिखाकर आशीर्वाद देते हो, उस टाइप के हो? मैं इसमें से किसी टाइप का नहीं हूँ, मैं कर्म सिद्धांत को मानता हूँ। वैसे कितना मार लेते रोज हो? एक क्वार्टर का कोटा है। वो नहीं स्वामी, रोज का कितना कमा लेते हो पूछो? पुत्र, वो भगवान और भक्त के बीच की बातें हैं। स्वामी मैं ना तो बोलिए, भक्त जैसा हो वैसा स्टेटस देखकर 3 से लेकर 5 तक। ये तो बहुत चीप है। नहीं, लाखों में स्वीकार करता हूँ बेटा। साइड में आ, जरा साइड में आ, मेरे पास आ सजना, दिल दिया तुझे दिल, ले ले तू मेरी जान, दिल में आग लगी मस्ती का आलम, आके अंग लगा ओ मेरे बालम, जो चाहिए ले लेगा सब कुछ तू ले जाएगा, हर नशा पाएगा बाहों में, अंधेरे में मैं और तुम हो जाएंगे दोनों गुम, करना अब तेरी सहना हो गया। ठीक, इन्हें दारू पीकर ऐसे ही लीवर खराब करने दो, हम जाकर एक और आदमी से मिलते हैं। पितृमूर्ति सर, पितृमूर्ति सर। पितृमूर्ति नहीं बे, त्रिमूर्ति जी कहो। ठीक है पितृमूर्ति सर, वो सब छोड़िए, अभी अंदर झगड़ा हो रहा है, पितृमूर्ति की ताकत दिखाइए सर। Oh!
यह है राना। इसे गुस्सा जितना ज्यादा आता है इसकी सोच उतनी ही कम है, यानी कि थोड़ी कम है। गलत लोगों को यह बहुत सटीक पहचान लेता है, ऐसा भरोसा इसके पापा को है। अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, तुम लोग अपनी बॉडी बना रहे हो। बकरी की तरह आए थे, सांड की तरह हो गए हो तुम दोनों। अबे रोक ना, अबे बोल रहा हूँ चबाना रोक। मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं इन सबको। मेरी बॉल से खेलने की सोचेगा तो भी नहीं बचेगा। मार डालूंगा। मेरी बात सुन प्लीज राणा, प्लीज राणा, राणा झगड़ा बंद कर मेरी बात सुन राणा। राणा रुक, सुन मेरी बात सुन। अब बोल क्या हुआ था, तुम सब जानते हो यहाँ कटाता हूँ मैं, मतलब प्लीज कुछ बुरा मत मानना। ठीक है, वंस मोर, यहाँ का दादा हूँ मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे? राणा की गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत गंदी बात की थी भाई। राणा की गर्लफ्रेंड के बारे में? राणा की गर्लफ्रेंड के बारे में गंदे तरीके से तुमने कमेंट्स की? ओए भूखे मर जाओगे तुम लोग। राणा भाई की गर्लफ्रेंड तुम्हारी क्या लगेगी पता है? दीदी लगेगी, दीदी। ये क्या भाई, भाई की गर्लफ्रेंड भाभी हुई ना? तो फिर भाई का रिश्ता बदल कर बात करो, राणा जीजा, जीजा की लवर दीदी। राणा जीजा, जीजा की लवर दीदी। राणा जीजा, जीजा की लवर दीदी। बस बस बस, अब सॉरी को। सॉरी राणा, हमने गलत किया, माफ कर दो। सब सॉरी बोल रहे हैं राणा, माफ कर दो। ठीक है। क्या यहाँ झगड़ा कैसा, यहाँ तो सब अपने ही है ना। अरे अरे वो बॉल लेकर जा रहा है यार। ये उसकी पर्सनल बॉल है। ऐसा क्या, राणा की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? ईशा नाम। वो तो मस्त माल है यार। ये क्या भाई, अभी तो आपने दीदी कहा था। दीदी, दीदी मतलब तुम लोगों की दीदी, मेरी दीदी नहीं बे, समझा? अब 100% मजे लुटाने का ये मौका है, गम मुझे दे दे। यूपी एमपी को भी मैं पल में अमरीका कर दूं, ऐसा जलवा मेरा है तू सुन ले रे। सुन मेरे एक इशारे पर हो जाए दुनिया घायल, ऐसा जलवा मेरा है तू सुन ले रे। रंग जमाना है, रंग जमाना है, रंग जमाना है। कल मेरी शादी है। ओ, मतलब सन्यासी बनने से पहले बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो? मेरी मंगेतर को मेरा पीना पसंद नहीं है तो कल से मैं। अच्छा, छोड़ना है इसीलिए आज इकट्ठा पी रहे हो? नो नो नो, वो क्या है, मैं पीऊंगा तो झगड़ा करेगी बस। मेरे पीने के बाद कोई मुझसे झगड़ा ना करे वो आखिरी दिन मैं मनाने आया। पुत्री एक फुल पार्सल देना। स्वामी मैं बस लेकर आऊं? तुझे मेरा आशीर्वाद हो, वो तो पूरे दिन भर उपकार और रात में उपचार। वरना हमारे स्वामी जी शिष्यों को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे ना। विजय कुमार, वो तो मैं बस। वो तो ठीक है स्वामी, अभी कुछ कहा था ना, वो क्या कहा था वो, खरमा खरमा, ये खरमा क्या है? खरमा नहीं पुत्र,
कर्मा, कर्म से दान। वही मतलब। मतलब जीव के पाप पुण्य के कर्मों के फल को मरने से पूर्व सबको भोगना ही होगा, ये ऐसा मानते हैं और ये सच भी है। मेरा फूल कहाँ है? अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें चढ़ गई। सूरा प्राप्त किया स्वामी जी? प्राप्त कर लिया स्वामी। मैं तुम्हारी भाषा में दोबारा समझाता हूँ। अगर तुमने अभी कोई गलती की तो उसे सिर्फ कानून दंड नहीं देगा, भगवान भी दंड देगा। उसे तुम्हें भोगना ही होगा, बचोगे नहीं पुत्र। I got it। मतलब अभी बैचलर लोग खाना स्वादिष्ट बनाए या बकवास बनाए, उसके कर्म का उसी को ही खाना पड़ेगा, यही बात है ना? अब मुझे चढ़ गई। आपको समझ में नहीं आया? पीने नहीं दोगे ना? मैं बताता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति स्वयं परेशानी उत्पन्न करने, ये ठीक है पुत्र? मैं दोबारा इस बार में नहीं आऊंगा। तुम जाओ स्वामी, तो मैं आऊंगा ही नहीं। स्वामी दिल खाए चुकोले, मेरा दिल खाटे। स्वामी जी, स्वामी जी आपका अंग वस्त्र। तुझे दारू चढ़ गई है अपनी लुंगी पहन ले बे कमीने। स्वामी जी पे सुरा का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। अरे आराम से, मैं गिर जाऊंगा। धीरे चलो, धीरे। स्वामी जी पुत्र आओ। स्वामी जी प्रस्थान कीजिए। अपनी बोली बदलना भाई, शाला से बाहर आ गए ना? लेकिन बाहर में तो तैर रहे ना। गुरु जी तो सुरा के आनंद में। स्वामी स्वामी उधर उधर, मुझे एक लार्ज डाउट है। I'm sorry। मतलब हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं, जाने अनजाने में कर्म करके उसके फल तो भोगते हैं, लेकिन आपका क्या है? स्वामी लोग भी ऐसे पीते हैं, आप लोगों के लिए कोई कर्म फल जैसा नहीं होता? हम लोग तो निरंतर ऊपर वाले की सेवा में रहते हैं। हम लोगों के लिए कर्म फल या पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। हम लोग कर्म फल से भी ऊपर हैं। कर्म फल के उत्तरदायी तो यही है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आपको हैंगओवर या वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती? तो हमारे लिए सामान्य है पुत्र। एक बार प्रारंभ हो गया तो दुर्गंध फैल जाती है। ये मेरा आशीर्वाद है। उसे दारू जरा ज्यादा चढ़ गई है, लुंगी पहन ली ना, अब चलना चाहिए। आज जाकर सो जाते हैं। चलो चलो जल्दी। स्वामी स्वामी वन मिनट। अब चलो स्वामी स्वामी, एक लास्ट डाउट पूछो। स्वामी एक बात बताओ, अभी गलती करने वाले को तुरंत दंड मिलता है या फिर अगले जन्म में दंड देता है वो ऊपर वाला? इस कलयुग में ना पुत्र, तुरंत ही दंड देता है, तुरंत ही। और कोई डाउट है क्या? वो भी तो भी मत पूछना। तो चल बे, सामने एक रुकी हुई गाड़ी दिख रही है ना, तो घुसेड़ दे। स्वामी स्वामी, अरे चले गए। स्वामी 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 स्वामी, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो बोलो। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो हाँ बोलो। अरे एम्बुलेंस को फोन करो यार। हाँ बोलिए, बोलो बोलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना स्वामी, बोलिए। हाँ बोलिए का। तुमने जो कहा अगर वो सच है तो किए गए पाप से कोई नहीं बच सकता, वही कर्म है। थैंक्स। पीछा करके शिकार करने वाले कर्म का क्या खेल है, आइए देखते हैं। हाय, टेल मी। पैसे ना, इसलिए फोन किया है क्या? एक बार कहा ना, हो जाएगा। अरे मैं ट्राई कर रहा हूं ना। ठीक है, लेकर मैं तुम्हारे पास आता हूं। बाय।
हमें पैसे देने के लिए भगवान ने किसी को तो पैदा किया होगा, किसे किया होगा? अरे हाँ, राणा, डैड, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। कार के डैशबोर्ड में मैं अपनी रिवॉल्वर भूल गया हूँ, देखो है कि नहीं। डैशबोर्ड में? हाँ है ना, है? हाँ यही है। थैंक गॉड, उसे घर पर रखकर आओ। समझ गया, रिवॉल्वर को घर पे रखने के बाद ही कहीं और जाना, समझे ना? ठीक है डैड। डैड, क्या है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? यही कोई 5 लाख। 5 लाख? तुम्हारी नजर में ये थोड़े हैं। वैसे क्यों चाहिए? बार का बिल है? या कार ठोकती है? नहीं डैड, फिर क्या बात? हाँ कहना चाहिए था। सुनो, अगर ये सब नहीं है तो फिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? उसका सही रीजन बताकर पैसे ले जाओ। अरे मेरे बाप, रीजन बताऊंगा तो दिल सीने से बाहर आ जाएगा। सुन रहे हो ना डैड? नहीं चाहिए डैड। रीजन जानकर ही पैसे देना मेरा धर्म है बेटा। गुड नाइट। हर केस में रिश्वत लेना भी आपका धर्म है क्या? कल को आपके बाद सारी दौलत मेरी तो है। अरे सिर्फ 5 लाख ले लिया तो क्या हो जाएगा? मेरे बाप ने तो वाट लगा दिया, अब मुझे पैसे कौन दे सकता है यार? जय ठाकुर। कोई बेवकूफ फोन कर रहा है, फोन मत उठाना। कोई हमें परेशान कर रहा है, फोन मत उठाना। कोई बेवकूफ फोन कर रहा है, फोन मत उठाना। फोन। हाँ बोल रहा राणा। अरे ठाकुर, कहाँ है तू? क्या काम है? मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए यार। कितने चाहिए? बस 5 लाख, देगा ना? हाँ अभी अभी प्रिंट किया ना, सूखते ही ले जाना। तू भी ना। कॉमेडी मत कर यार। तो सीरियस हो जाऊँ क्या? नहीं यार, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। ओहो, वैसे इतने पैसे क्यों चाहिए? कार ठोक दी यार। सर 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 सर, प्लीज सर, प्लीज सर, सर सर, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ ना। क्या सर, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे? नहीं सर, इतनी छोटी सी बात है, छोड़ दीजिए ना सर। सर मेरा दोस्त पैसे दे रहा है, जितना चाहिए दे देगा। ओए ठाकुर, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए यार। सर प्लीज सर, लेकिन सॉरी यार, मुझे भी अर्जेंटली 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई यार। मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था। तुझे क्यों चाहिए यार? होती है यार, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। अब तुमने किसी और की कार ठोक दी और किसी ने मेरी आंटी की कार ठोक दी, उनका बाईपास भी करना है यार, अस्पताल में 5 लाख रुपए भरने हैं, हमारे सिवा को कोई नहीं है। तू अभी है कहाँ? अस्पताल में हूँ यार। एक मिनट, डॉक्टर साहब, आंटी अब कैसी हैं? क्या 24 घंटे के बाद ही कुछ कह सकते? ओह माय गॉड, थैंक्स डॉक्टर। सुन लिया ना तूने? क्या बात कर रहे ठाकुर, तेरे डैड ने तो तुझे सुपर बाजार काउंटर पर बैठने के लिए कहा था। बेवकूफ है क्या? वो जरूरी है या आंटी जरूरी है? अस्पताल जरूरी है, वहीं आया हूँ। ये क्या, ये तो बड़ा इमोशनल हो रहा है। रुक 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 रुक, एक मिनट रुक, सिस्टर आई है। सिस्टर ब्लड चाहिए? 2-3 लीटर तो मैं ही दे दूंगा सिस्टर। 2 लीटर? सॉरी यार, इस बार तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो हमेशा एक्सीडेंट मत किया कर यार, मैं हमेशा तुम्हारे टच में नहीं रह सकता, समझ गया ना? बाय। अबे नहीं यार, फोन मत रख। अबे प्लीज ठाकुर सुन। साला कमीना, अब किससे पैसे मांगू? सुबह गणपति की शक्ल देखनी चाहिए थी, इस पनौती की शक्ल देखी थी। मैं सिटी से वापस आ रहा हूँ, अभी तुम्हारी कॉलोनी के पास हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? तुम कहाँ बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं घर पे हूँ। और तुमने दारू पी है? मैंने तो क्या, दारू पी है? झूठ मत बोलो, तुमने दारू पी है? नहीं 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 तो लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है?
ठीक है ठीक है, मैं दोबारा फोन करूंगा। बाय डार्लिंग। एक्सीडेंट हुआ क्या? एक्चुअली आई मैंने शॉक, किसी जानवर ने सडनली रोड क्रॉस किया, कोई कुत्ता या सियार होगा, आई डोंट नो, पता नहीं। या पास में पोल्ट्री भी है, सियार आते रहते हैं मुर्गियों के लिए। आपको कुछ हुआ? नो, मुझे कुछ नहीं हुआ, एब्सोल्युटली आई एम ऑल राइट। आपको अगर चोट लगी है तो बताइए, 108 पे फोन कर देती हूँ, फोन है मेरे पास। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, मेरे पास है फोन। लेकिन आप किसी से कहना नहीं। इंसान होने के नाते मुझे सहायता तो करनी ही चाहिए ना, यहीं पास में मेरा घर है, मदद चाहिएगा तो बताइए। ओके। हेलो, 108 मैडम, मैडम आने के लिए मेरी कार मिली थी क्या? ओके, तूने कुछ नहीं किया, कीप इट गुड। 5 4 3 2 1 ओके ओके। शिट, लगता है जमकर ठोकी है। क्या बात है, कार को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कांच टूटा है। आ,
बार में सुबह तक पीकर रैश ड्राइविंग से डिवाइडर पर टक्कर मारने वाले युद्ध को तुमसे ड्राइविंग सीखनी चाहिए। क्या हुआ था? वो ना वो क्या है, कार पर मिरर कार पर वो नारियल गिर गया था। नारियल? हाँ हाँ, नारियल के पेड़ के नीचे पार्क की थी क्या? हाँ, अर्जेंट काम था इसलिए कार को लेकर आना पड़ा था। मैं रोड पर चलने वाले को ठोक कर उसकी लाश को कार की डिक्की में डालकर उसे फेंकने जाते समय पुलिस वाले को देखकर जैसे लोग डरते हैं वैसे ही तुम डर रहे हो, क्यों? ड्रंकन ड्राइव हो क्या? नहीं तो नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब आपको मेरी बातों से कुछ कुछ लग रहा है क्या? चलो पेपर्स दिखाओ, पेपर्स। सोडा चखना तो खत्म हो गया होगा ना? ये देखिए सर, लाइसेंस नहीं है सिर्फ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहना चाहते हो कि ये मेरी बीवी है लेकिन इसे मंगलसूत्र सिर्फ नहीं पहनाया है। लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करना जुर्म है ना सर? पढ़े लिखे तो दिखाई दे रहे हो लेकिन इतना भी नहीं जानते तुम। है लेकिन घर पर है, मतलब जल्दबाजी में घर से निकलते समय भूल गया था। तुम्हारा नाम क्या है? वही मेरा नाम है तेजा। ये तुम्हारी ही गाड़ी है ना? हाँ सर, वही मेरा नाम है और यही मेरी गाड़ी है। मैं एमएलए साहब के घर पे फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ? तुम पिए हुए हो है ना? नशे में हो ना? नहीं तो नहीं। नहीं तो नीचे उतरो। देखिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो कल सुबह आकर इंक्वायरी कर लेना। ओके उतरो। सर उतरो। यहाँ आओ। आओ। आ रहा हूँ सर। यहाँ खड़े हो जाओ। हनुमान चालीसा आती है? हनुमान चालीसा आती है क्या सर? अगर हनुमान चालीसा आती है तो सुना कर अगर हनुमान चालीसा आती है तो सुनाकर तुम जा सकते हो। सुनाओ। जय जय हनुमान जान नो ज्ञान गुण सागर। जरा सोचता हूँ। हाँ तिहु लोग सर उजाग सर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अली इम्तियाज अली। और ये इम्तियाज अली हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है, ये तुम्हें बताने के लिए मैंने नहीं सुनाई। दारू पी रखी है ना तुमने? और हनुमान चालीसा भी नहीं आती है तुम्हें? यहीं रुको तुम और हिलना नहीं। हेलो कंट्रोल रूम, ओवर। AP 12 9459, इस नंबर की कार कहीं मिस हुई है जरा देखकर बताओ। वन मिनट सर। क्या सर, आज बहुत सारे केस डील कर रहे हैं क्या आप? कार चोरी तो नहीं कर लाया ये शक हुआ है मुझे, भागने के लिए चांस भी देकर मैं दूर खड़ा हूँ। क्यों सर? चेजिंग किए बहुत दिन हो गए ना। वो कहीं शॉप चेजिंग करने वाला तो नहीं है सर, आपको टपका कर भागने का प्लान कर रहा हो? अरे नहीं, इसमें इतनी अकल नहीं लग रही है, LKG के बच्चे की तरह दिख रहा है ये तो। सर आपने जो कार का नंबर बताया उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इस कार को चलाने वाला आदमी अभी सिग्नल के पास। क्या नाम बताया तुमने? तेजा। हाँ तेजा,
दारू पीकर कार चलाकर ड्यूटी पर के कांस्टेबल के साथ पिछले सिग्नल पे तुमने झगड़ा किया, तुम पर केस हुआ है, तुम्हारा कार नंबर भी मैच कर रहा है। नहीं सर, वो ना एक्चुअली मैं उस एक्सीडेंट को देखकर जल्दबाजी में वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से उस कांस्टेबल ने मुझसे काफी मिसबिहेव किया था। मैं तुम्हें अरेस्ट कर लेकिन एमएलए के घर फंक्शन पर फिर कभी चले जाना तुम। चलो सर, सर छोड़िए सर, ये क्या है सर, उस कांस्टेबल ने भी मुझसे इसी तरह मिसबिहेव किया था। रुको, मुझे मारने की कोशिश मत करना, एक साथ दो दो जुर्म ठीक नहीं है। हाथ पीछे रखो, पीछे रखो, पीछे। सर मेरी बात मानिए, हाँ, अभी जाने दीजिए, ये कार अर्जेंट है सर। वैसे सर, तो मैं हमेशा ब्रेन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन गन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब तो ठीक है, चलो चलो। क्या है इसमें बोलो, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि एमएलए के घर मटन लेकर जा रहे थे तुम? हाँ सर, सर सर प्लीज सर, इसे ओपन मत कीजिए, इसमें कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ सर, फिर भी देख लेता हूँ। सर 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 देख लिया ना, बंद कर दो। रुको, बंद कर दो ना सर। अरे कमीने, सर नहीं, तूने उसे टक्कर मारी थी सर। वो सर मैं और तो उस बॉक्स को लेकर क्यों जा रहा था? उसे दोबारा सिलवाने के लिए? अरे उसमें तो बहुत खर्च आएगा। अरे धन, उसे यहाँ छुपा कर रखा है। सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ तो अनजाने में हो गया है सर। सॉरी सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, कल सुबह मेरी शादी है, प्लीज। तुम्हें कुछ हुआ है सोचकर उसने तुम्हारे लिए 108 पर फोन किया था, तुम्हारे लिए। सर याल्ला, हैंड्स अप सर। सर सर, बीटू बीटू। यस सर। हाँ, कॉलोनी के पास किसी कुत्ते या सियार का नहीं, इंसान को ठोका गया है। आई रिपीट, यहाँ आदमी है, जानवर नहीं। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है, ओवर। चलो सर, दारू पीकर पुलिस वाले को मारा सर, एक्सीडेंट करके एक आदमी को मारा। नहीं सर, तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि बेल भी नहीं मिलेगी। सर सच में मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, कल मेरी शादी। हाथ ऊपर रखो सर, ऊपर रखो। सुबह मेरी शादी होने वाली है सर, प्लीज। अच्छा? हाँ शादी सर। अच्छा, तेरी शादी तो मैं करवाऊंगा सर। इस जन्म में तू एमएलए के घर फंक्शन पे नहीं जा पाएगा, सर, तेरा खेल खत्म। सर तू जब जेल से बाहर आएगा तब तक वो एमएलए कुर्सी से हट भी चुका होगा, बताता हूँ तुझे अच्छी तरह। तुम लोगों का मन बहलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक साथी को पकड़ कर लाया हूँ। सरको, मैं नहीं सरकूंगी, मैं यहाँ पहले से बैठी हूँ, क्यों सरकूं मैं? ये कोई बेस्ट बस नहीं है, जो जहाँ बैठ गया वो उसकी जगह हो गई। सरको चलो हटो। लेडीज है ना, अपने साथ आगे बैठा लीजिए। पुलिस वैन है बेटा ये, जैसे लड़कियों के लिए सेपरेट जेल होती है वैसे यहाँ सेपरेट सीट नहीं है। सरको, मेरे हाथों में हथकड़ी है, मैं कैसे सरकूंगी? ओए मोटी, दिमाग की दही मत कर समझी। ओए, तुझे चिल्लाने के लिए नहीं कहा, सरकने को कहा है। हाँ। ओए तुम यहाँ आओ। अरे ओए, ओए, अरे तेरी तो, ओए भाग कर रहा है। चलो हम भी भाग चलते हैं। लेकिन कहाँ? रुको, मेरी बात सुनो। अरे रुक जा, अरे ना रुक जा। सॉरी, वो मैं अंधेरे में देख नहीं पाया। वो मुझे वाटर प्लीज। मेरे हस्बैंड को देखा कहीं आपने? वो कौन है जी? आपको देखने के लिए भेजा था, अब तक घर नहीं आए वो। मैडम मेरी बात सुनिए प्लीज, मैडम मैं उस तरफ नहीं जा सकता, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलिए ना वहां तक। आप कहाँ हैं मैडम? सुनिए तो, कहाँ चले गए आप? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हुआ है जी? मेरी इकलौती बेटी ईशा को एक कार ने टक्कर मार दी।
ये कब? थोड़ी देर पहले ही आपको मिलकर घर आई तब। अगले दो मिनट बाद ही किसी ने फोन किया, कहाँ गए आप? तुमने भी तो वहां पर ले जा, हिलना मत। मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? I'm sorry, वो सब तो it was an accident. मैडम, आप पीछे हट जाइए। तुमने तो कोई जानवर कहा था? वो क्या है कि एक झटके में ये सब अचानक हो गया था। मैडम, आप सामने से हट जाइए। तुमने पी हुई है ना? हाँ, I'm sorry. राणा, हिलना मत। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? बताओ, क्या बिगड़ा था उसने तुम्हारा? बताओ मुझे। हर कहानी के पीछे एक राज होता है। मरने वाला आदमी था तो ये बेटी किसे कह रही थी, और फिर राणा की बॉल पार्क तक कैसे आई? तो क्या तेजा बेवजह इस केस में फंस गया है? राणा क्यों अरेस्ट हुआ? मरने वाला आदमी कौन था? ऐसे बहुत से सवाल हैं, और ये सब जानने के लिए समय को जस्ट 10 मिनट पीछे करके पी त्रिमूर्ति की कहानी देखते हैं। साढ़े 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कम करो, बातें कम करो, आधा खाना कम करो। अब मुंह पोछ लो। तुम जो आधा खाना बचाओगी, क्यों उसे आप खाओगे क्या? 50 गरीब लोगों में दान कर दूंगा। आप कहाँ जा रहे हो? जानती हूँ मैं, उसी के साथ कहीं बाहर जा रहे हो ना? जो बात तुम जानती हो मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ तुम भी जानती हो। मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ लेकिन तुमको अरे बाप रे टच नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं, समझी मोटी? ये बटला बिना मुझ में क्या कमी है? पता है, बचपन से मुझे पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ने से बहुत डर लगता था। जल्दबाजी में एक बार मैं वो भी कर गया। बस तुम्हारे पापा ने मेरी बेटी का दूसरा महीना का शादी करेगा या मरेगा बोला तो तुमसे कर ली। मैगी, डेली बर्गर जैसी चीजें हम नहीं खाते, समझे? इसीलिए तो दोपहर में मैं कुछ भी नहीं खाती। ओह गॉड, लगता है तुमने इसकी अकल भी पेट में डाल दी है। ओके भाई, चलता हूँ। त्रिमूर्ति मत जाओ ना प्लीज, वजन घटाने के लिए रोज में दो ही रोटी खाती हूँ और कल से एक ही खाऊंगी। कितनी बड़ी रोटी? जी मत जाइए ना प्लीज। अच्छा सुन, तुम चाहे इसमें से निकल जाओ या इन दरवाजों के बीच से निकलने वाली इतनी पतली क्यों ना हो जाओ, मैं दूसरी शादी करके रहूंगा और तब तक मैं चित्रंगी के पास जाता रहूंगा। बाय त्रिमूर्ति। प्लीज रुको ना त्रिमूर्ति, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 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 मैं मर्द हूँ। कुछ भी करूंगा, जा यहाँ से। मेरी बात तो सुनो त्रिमूर्ति। मुंह बंद कर वरना काट डालूंगा। जीत। मेरी बात सुनो तो सही। थोड़ा सा और लंबा होता तो पता नहीं क्या क्या करता। कल तो देख इसकी, कोई थूके भी ना ऐसी है। हाय फ्रेंड्स, आ जा प्यासी आत्मा, इसमें कम नहीं है। चला चला चला। कुल मिलाकर तू मर्द है ना बैसाले? बोल ना, बोल। थोड़ी देर पहले तो स्टेटमेंट दिया था ना इसने, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। चुप कर मैं। सॉरी सॉरी। ये ले। अच्छा ये बता, तू तो दूसरी शादी करने वाला है ना? उस मोटी को मैं नहीं संभाल सकता यार। मैं भी नहीं संभाल सकता यार। चुप है। अरे छोड़ना यार। संभाल सकता है, इसको दे दे यार। फालतू का जोक्स मत मार यार, चुप करना यार। अब एक बात बता, शिल्पा और ऐश्वर्या की तो शादी हो गई है, तो अब तो किसके साथ सपने देखेगा? अपनी प्रियंका और कैटरीना बची है ना, वो किस दिन काम आएंगी? अरे सुन सुन सुन, एक काम करते हैं, मैं ना ये सेव उस अंदर बैठे हुए आदमी को मारूंगा। जा। मिस हो गया यार। वो हमारी गाड़ी का नंबर देकर पुलिस को फोन करेगा तो हम लोग अंदर हो जाएंगे। अभी तक इस गाड़ी को नंबर नहीं मिला है, समझा? अरे समझा कर यार, इसके बाप ने नंबर के साथ गाड़ी दिलवाई है। तेरे बाप ने दिलवाई होगी तुझे। चोरी की गाड़ी है। अरे चोरी की हुई तो क्या हुआ? अबे ये किताब कैसी है बे? अरे वो एग्जाम थे ना यार,
बाप ने जम के पढ़ने के लिए कहा है। पढ़ लिया तो अब जला देते हैं। ला दे। ये ले, तो जला दे। अरे अरे अरे, गाड़ी के अंदर नहीं बे। अरे क्या कर रहा है? अरे मेरी बात सुन। ओए क्या कर रहा है? यार मैं ठीक से जलाना भी नहीं आता। मुझे देख, वीआई में तक जलाने का सीनियर हूं। आई एम कमिंग। अबे चुपे पागल। ये देखो इसे ऐसे लेकर, बात सुन यार, और इसे ऐसे दबा कर नीचे करके ऐसे आग लगाते हैं। बाहर फेंक। ये देखा ना कैसे आग लग गई। अब विंडो खोलो जल्दी जल्दी खोलो जल्दी। पागल हो तुम। हाँ इसे कहते हैं जलाकर फेंकना। हाँ भाई हमने उसे जहाँ जलाकर फेंका है वहाँ आग लग जाए तो इंश्योरेंस मिलेगा ना? जाके उसके ऑनर से पूछना। इसीलिए तो तुमसे पूछा है, तुम्हारा जिम्मा है। इसकी दुकान। एक बात बताया, इसकी बीवी गांव गई है। मेरी बीवी मुझे धोखा देकर भाग गई और तू अपनी बीवी को घर पर छोड़कर ऐसे चित्रांगी के पास जा रहा है, ये अच्छी बात है क्या? रोक रोक बे। क्यों रोको? मैं सच हमेशा कड़वा ही रहता है। तेरी बीवी को पता चलेगा उसे बुरा लगेगा। मैंने गाड़ी रोकने के लिए क्या, मुझे अर्जेंट लगी है बे। ओ पेशाब लगी है। तुझे लगा कि मैं गुस्सा हो गया हूँ? वो तेरी मर्जी, गाड़ी नहीं रुकेगी। बस पांच मिनट में गेस्ट हाउस आ जाएगा, उसके बाद तो मेरी चित्रांगी वेटिंग पर है। नहीं तो निकल जाएगी। मैं नहीं रुकूंगा। अबे नहीं रुकेगा तो मैं चलती गाड़ी से कर लूंगा। कर दे कर दे। करना है तो कर ले, मैं नहीं रुकूंगा। बिंदास कर दे यार, बिंदास कर दे। आराम से आराम से गाड़ी को लेकर आया मैं। ओए अरे गाड़ी में पेशाब करेगा तो गाड़ी को मार देगा। अबे साले रुक बे। अबे साले रुक। अबे पता नहीं तुझे ठंडी ठंडी क्या कर रहा तू। ये क्या हुआ बे? कुछ हुआ तो नहीं ना? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ, क्या किया तूने? ये क्या किया? मैंने क्या किया? इसकी वजह से हुआ। मैं पीछे देखकर चला रहा था। ये यहाँ क्यों आया? अभी ये क्या बे? कर निकाल ली। चल निकल ले, निकल ले। भाग 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 भाग। घुमा गाड़ी, घुमा। अबे गाड़ी घुमा जल्दी। अबे ओए, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कह रहे कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर हो जाती तो उसने मेरी जान ही ले ली होती। ये सब ना इस पटले की वजह से हुआ। त्रिमूर्ति, ए त्रिमूर्ति, ए त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की हालत खराब है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ओए तू पागल हो गया क्या? तो सीट के नीचे बोतल रखी है, निकाल कर धोने को कह दे उससे। गाड़ी रोक बे, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। पागल हो गया क्या? समझ तक नहीं। ट्रॉलिंग पुलिस वाले आएंगे तो हमें अंदर कर देंगे। इसकी हालत खराब है, वो देख। क्या खराब हालत है उसकी? तुम्हें मेरी हालत की चिंता नहीं है? साली पनौती सामने आ गई और मर गई। मेरी नई नवेली गाड़ी का कांच टूट गया। देख इसकी हालत कितनी खराब है। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर हम पुलिस के हाथ लगे तो पुलिस पूछेगी कि गाड़ी चलाने वाला कौन था, तो पहले ड्राइवर को पकड़ के ठोकेगी और समझ जाएगी तो। ओए ये क्या हुआ? कांच में लगा खून धो लेंगे, उसे जाने दे। इसे क्या हुआ है? तूने ऐसा ब्रेक लगाया कि इसका सामने से निकल गया। निकल गया ना बस ना। निकल गया मतलब कट गया बेवकूफ। कट गया पूरा, कट गया क्या? अरे रे रे, इसे अस्पताल ले चलते हैं। चल 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 चल। हां चल चल चल। क्यों ब्लीडिंग से ही मरेगा क्या? मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए बे तुझे? मैं जाकर लाऊंगा, ठीक है? थैंक्स सर, उसके बिना मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। या, जानता हूँ। ए हाँ, चलना लेकर आते हैं। कहाँ पर? पागल है क्या तू? वहाँ गए तो वो गन लेकर खड़ा है, दो गोली तेरे भेजे में डाल देगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी गोली का क्या? ओए, ये इसके बिना जी सकता है लेकिन तू इसके बिना नहीं जी पाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं बे? तुझे ना जल्दी लगी हुई थी। दर्द हो रहा है ना? तू लेके आ। ओके ओके रुक, मैं लेकर आता हूँ। उस पनौती को वहीं छोड़। वो क्या सोना है जो गले में लटकाए घूमेगा? मैंने सुना है कटा हुआ अंग अगर एक घंटे में जोड़ दिया जाए तो जुड़ जाता है, देखते हैं ना। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? ए इसका चेहरा देखकर बात करना। हमेशा कहता रहता था काट दूंगा काट दूंगा, आज देखो इसी का कट गया है। ए मैं लेकर आता हूं। मैं क्या करूंगा, इसका चांद मुखड़ा देखूं। एक काम कर, तू गाड़ी स्टार्ट रख के तैयार रहे, मैं फौरन आता हूं। चमर चिंता मत करना त्रिमूर्ति, मैं लेकर ही लौटूंगा। बर्फ बर्फ क्या? बर्फ चाहिए? कपड़ा धोने वाला सर्फ डाल दूंगा। कहा था पांच मिनट रुक, कंट्रोल नहीं हुआ, देख क्या हो गया। तेरी जबान भी काट डालूंगा, मुंह बंद कर। अबे चुप। बाप रे, पुलिस वाले तो बहुत फास्ट हैं। हाँ जरा आराम से, आराम से, आराम से। C24, C24। ओ मैं
कोई मैसेज आ रहा है देखना। अच्छा ठीक है, इसको संभाल तू, जा मैं इसे देख लूंगा। कंफर्म प्लीज। पता नहीं लोग बीच रोड में कैसे मर जाते हैं। तो हमें ही करना पड़ता है। हेलो, रिस्पोंडिंग C24। हाँ कहिए सर। ओके अभी जा रहे हैं, ओवर। क्या हुआ, कोई मैसेज था? अरे फ्लाईओवर पर कोई जानवर की वजह से एक और एक्सीडेंट हो गया। एक और मर गया? हाँ। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हुआ है? हिट एंड रन। मे आई हेल्प यू? अबे वो काम हमारा इसके लिए है, जाना यार। चल चल पकड़े, चल मैं यहाँ से उठा दूँ। उठा उठा खींच पहले, उसे ढक दे। चलो उठा उठा उठा, चल आराम से आराम से। अरे लाश को देखकर ऐसे डरेगा तो कैसे होगा? बस बस हो गया, तू चिंता मत कर। हाँ, चार दिन बाद इन सब कामों की आदत पड़ जाएगी। हाँ तू चल, हम लोगों को तो लाश के सामने खाना खाना भी पड़ता है। अरे इतना आसान नहीं है ये सब काम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरी जिंदगी लाश के साथ ही बिताना पड़ता है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। गॉड, मैं मर्द हूँ, मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। तू भी नहीं यार। सॉरी। ओए, तो तू ये लेने के लिए आया? वो मैं, ये तेरा आया, तेरे दोस्त का? हाँ, आप क्या कह रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अंदर क्यों गया था? बस ये देखने के लिए कि ये सोच रहा है ना कि इसमें क्या देखना था। ये क्या बोल रहे हैं? बाल, हेलो हेलो हेलो, हाथ हटाओ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, पता है? ओए, मस्त है ना ये? क्या मस्त है भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए, मुझे जाना, मुझे घर जाना, जा रहा है, जा रहा है, चल छोड़िए ना। अरे तू कहाँ जाएगा बे, हमारे साथ चल रहा है और पुलिस के सामने सारी कहानी सुनाएगा। पुलिस के सामने? मैंने ऐसा क्या किया? अबे उस लड़की को तुम लोगों ने टक्कर मारी ना। सर मैं वो सब नहीं जानता। सर जाने यार कथा। अबे चल सर, सुनिए, चल। मेरी बेटी कहाँ है? आप कौन है भाई? मेरी बेटी कहाँ है? भाग रहा है, मेरी बेटी कहाँ है बताओ? आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं हूं वो मत दे, चिंता मत कर, वो तेरा नहीं तो किसी और का ले आएगा। गाड़ी चालू कर, गाड़ी चालू कर, चल 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 चल। अबे मिल गया ना, ये लो। थैंक्स। अब इसका क्या करना है? इसे ले जाकर चित्रांगी के हाथों में तू। ओए ओए, पुलिस है, पुलिस। अबे वो कलेक्शन में बिजी है, तू चलना। कार में हमारी कार ठुक गई यार, चित्रांगी का प्रोग्राम सब चौपट हो गया, आज की रात ही पलौती है। अब दोबारा काटा लूंगा, काटा लूंगा, कहेगा ना ये तो तब बताऊंगा। जल्दी से इसे ले जाकर जुड़वा लेंगे तो इसे काम करने लायक बना सकते हैं। क्या काम करेगा बे? ये चित्रांगी का चक्कर छोड़, चुपचाप अपनी बीवी के पास जा, वो तेरा साथ जरूर देगी। उसे नहीं यार, अपनी बीवी को छोड़ दूंगा ऐसा कहा था, अब वो मुझे माफ कर देगी ना। बीवी कैसे भी हो माफ कर देती है। बीवी है ना, माफ कर देगी। अब ये क्या है, पुलिस के पास लेकर जा रहा है क्या? क्यों, तुझसे जुर्म तो नहीं हुआ ना? तेरी तो साले, तू हमें फंसाने के चक्कर में है क्या? एक काम करता हूँ, मैं तुझे ही टपका देता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैंने उसे जानकर तो नहीं ठोका, वो खुद सामने आई और मर गई। वो बात नहीं है यार, कुछ मत बोल यार, वैन रिपेयर करा के सारे सबूत मिटा देंगे। तो फिर मेरा क्या होगा? अबे चिल्ला मत बे, डॉक्टर से कहेंगे कुत्ता ने काटा था, ट्रीटमेंट कर दे। ओए एक्सीडेंट किसने किया था बे? हमने। वो नहीं यार, हम सब एक बार फिक्स कर लेते हैं, एक्सीडेंट हमने नहीं किया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है।
अब बता किसने ठोका? हाँ हमने नहीं ठोका। करेक्ट। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? ठोका तो तुमने ही था। ये नौज, ये पटला तो आज मरेगा मेरे हाथ से। अरे नहीं पकड़, सुन तो अक्कल। अरे क्या खराब ना किया होता तो मैंने पीछे नहीं देखा होता, ना एक्सीडेंट हुआ होता। अरे छोड़ ना यार, तू चुप कर। मेरी बात मानेगा तो ठीक, वरना तुझे यहाँ उतार दूंगा। उसे चिपकाने वाला नहीं मिलेगा और ब्रीडिंग से मरेगा तू। उसे अपने टक्कर नहीं मारी थी। हाँ, अब इसी बात पर टिके रहना समझे, वरना तुझे तो अस्पताल लेकर चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ यार। सच को अगर बदलना है तो पहले उसे अंतरात्मा से साफ करना होगा। ऐसा हो सकता है क्या? इस जल्दबाजी में वो राणा को और उस गवाह को भूल गए। कुछ गांठें खोलनी है तो हमें धागे के छोर को पकड़ना होगा, इसीलिए हमें थोड़ा पहले से देखना होगा दूसरे छोर की तरफ। ये बेटियां भी ना हमेशा टेंशन देती हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान ना दो तो टोपी पहना देती हैं। ठीक है, खाना तो खा लिया है, अब डॉगी के साथ थोड़ा वॉक कर लेता हूं। डॉगी, हे डॉगी। लगता है ये भी कहीं बाहर घूम रहा है। हे डॉगी, कम ऑन, आजा, आ आ आ आ, डॉगी। मुझे शक है कि वो मेरी बीवी से डर के कहीं छुप गया है। चलो आज मैं अकेले ही वॉकिंग कर लेता हूं। ये कार अभी तक यहीं पर क्यों है? डॉगी, ए डॉगी, डॉगी, कम ऑन डॉगी। क्या ईशा ने इसे? ओए, ओह माय गॉड, अब क्या करूं मैं? तुझे तो मैं मारने वाला था। नो, उसकी जिंदगी तूने खराब कर दी थी, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस बॉडी का क्या करूं? पहले तो इसे गायब करना होगा। मैंने तुझे हजार बार मना किया था कि इस तरफ मत आना, नहीं सुना तूने। अब तक तो तू एक सरदर्द था।
अब कमर दर्द हो गया, तेरे ऊपर कोट डाल देता हूँ। कार तो तू आराम के लिए ले आया था ना, पर क्या फायदा हुआ, आज डिक्की में सोना पड़ रहा है। तुझे पता होता तो डिक्की में भी तू एसी लगा देता। एए, सला शरीर बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बड़ा नहीं हुआ, अब क्या करूं। यस इडियट, डिक्की में लाश तो रख दी, अब चाबी का क्या करूं। कुछ तो सोचना होगा। यस ये काम ठीक रहेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसे जेल जाना पड़ता। सो मैंने जो किया वो ठीक किया, मैंने जो भी किया वो ठीक किया। यस मैंने सही किया है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। 94.8% है आपके साथ और अब हम बात करने वाले हैं राहुल से, जो शेयर करेंगे अपनी पुरानी यादें। तो राहुल अपनी पुरानी क्यों बताइए, और ये भी कैसा लग रहा है बताना। तूने सोचा भी नहीं होगा ना कि तुझे अपनी ही कार की डिक्की में सोना पड़ सकता है। साले डिक्की में डालकर मारूंगा। सॉरी डिक्की तो खाली ही नहीं है। रास्कल्स चल आजा। इस वक्त यहां कौन हो सकता है। अरे ये रुक क्यों गया। अब तू नीचे गिरने वाला है और कुछ ही देर बाद कोई गाड़ी तेरे ऊपर से निकल जाएगी। हत्या का केस ना होकर एक्सीडेंट का केस बनकर तू कल पेपर में आएगा। अब तक तूने सब गलत किया था, अब आखिरी बार तो तू एक हेल्प कर दे। बाय। किसी से तमीज से पेश आओ तो उसे हजम नहीं होता है। अबे भाग भाग भाग, तेज चला। अरे निकाल जल्दी। साला आज का दिन सबके लिए खराब है। चाहे आधी रात तक मेडिकल की दुकान खुली रहे या ना रहे, लेकिन ये गटर यहाँ 24 घंटे खुला रहता है। हरामखोर लोग।
ठीक है, इस बार मैं इसका फायदा उठा लेता हूँ। ओ तुम हो? क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप? किसी ने इस जलते हुए कपड़े को कार से बाहर फेंक दिया था, कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए मैं इसे अंदर डालू। आराम से। क्या हुआ जी, पीठ में दर्द हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है, चलो अंदर बैठो। वॉक पर गए थे आप? हाँ। तुम कहाँ से आ रही हो? माँ को दवा देकर आ रही थी, निकलते समय थोड़ी देर हो गई बस। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। ये एम्बुलेंस क्यों है यहाँ? लगता है हमारे घर के पास कुछ हुआ है। अरे आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? कुछ हुआ है कहा था ना अभी, पीछे की तरफ से चलते हैं। अभी रास्ते पर आते समय भी एक एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ? फ्लाईओवर के नीचे। फ्लाईओवर? ड्राइवर कह रहा था कि किसी जानवर ने रोड क्रॉस किया है, बेचारा बेजुबान, क्या हुआ होगा पता नहीं, हो सके तो एक बार चलकर देखें वहाँ क्या हुआ। ठीक है। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो आप? उस फ्लाईओवर के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, जाकर देख कर आता हूँ। जल्दी आ जाना। इसे अंदर रख दो। फोन, आती हूँ आती हूँ। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वैसे ईशा कहाँ है? मैंने कहा था ना, सच से कोई नहीं बच सकता है। घर के पास हुए इसकी बेटी की मौत का और पार्क में हुए जय की मौत का आखिर संबंध क्या है? राणा और उसकी दोस्त क्यों अरेस्ट हुए हैं? जय की कार? इसने तो कहा था कि हॉस्पिटल में। रात के 12 बज चुके हैं, ये अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है? जय ठाकुर भी यहीं पर है और ऊपर से ये रात, साला लड़कियों को देखते ही डाबरमैन बन जाता है। अरे बाप रे, चिप्स गिरना तो भूल गई। 40, 41, 42, 4। हेलो भाई, मैं हूँ दिल्ली से, राजन बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अरे वो है ना भाई, वो तारा की बात कहाँ तक आगे बढ़ी? सारे स्टाफ को मैंने भेज दिया कर, वो अकेली है। अच्छा अच्छा, रात भर में काम हो ही जाएगा। अरे वाह, तो फिर मेरे बारे में क्या सोचा है? तेरे साथ में कौन है? साथ में मेरे शिवराज है, तो उसको ले ले। क्या भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या बोला? वो क्या है ना, वो 3 दिन से ये तो मस्त आइटम है बे। ब्रू, मस्त आइटम है, हम जितना इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही मजा देगी। उसके दिल में क्या है कि वो थोड़ी जान पाएगी? तारा, ये एक पागल आइटम है, इससे शादी करने से तो अच्छा है कि ताज होटल में जाके कोई एक रूम बुक कर लो और किसी टेररिस्ट अटैक में मर जाओ। सॉरी सर। इट्स ओके। कौन सा शैम्पू यूज करती हो? ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी शैम्पू? शैम्पू वो ना, हेड एंड शोल्डर। हाउ है हेड एंड शोल्डर? सर, डिटर्जेंट कॉस्मेटिक चेक कर लिया है, सब ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट। फूड में चिप्स लेज ऑर्डर करना है। हाँ तो दे दो। वो चाहिए? वो चाहिए? हाँ यही। ऐसे क्या देख रहे हो? सेंट जूस। सेंट जूस चाहिए क्या? क्या तुम मेरा समझती हो मैं डबल मीनिंग बोलता हूँ?
पता है मेरे पापा क्या कहते हैं? ये शॉप मेरे लिए नहीं है, इसलिए सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अब तुम समझा? सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ेगा। आपके पापा ने सब बताया था ना? मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बता दो ना। जय ठाकुर के बारे में इतना गलत मत सोच रहा ना। उसे पता है तारा मेरी दोस्त है, वो उसके साथ गलत हरकत नहीं करेगा। तारा, मेरे बारे में भी सोच लिया करो ना। सोचना मतलब? पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा तारा। अरे नहीं सर, सैलरी तो उसी काम की लेती हूँ ना मैं। ओ, सैलरी उसी काम की लेती हो? मेरे बाप ने तो बताया नहीं। तो फिर पैसे क्यों चाहिए मुझे? वो क्या है, डैडी ने कहा था कि तुम्हें बहन की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए चाहिए। लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया कोई था। बात नहीं, वो अमाउंट मैं तुम्हें दे दूं। आप देंगे? हाँ। तुम अगर मेरे साथ फोन सर फोन 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 वन सेकंड। क्या हुआ, कहा था ना कल आऊंगा? मैंने भी तो कहा था ना कि अर्जेंट है। कहा था ना कल आऊंगा। अभी आ सकते हो ना? देखो मैं अभी मूड में हूँ। क्या बिजनेस के ही ना? हाँ बिजनेस के ही, पैसे की बात कर रहा हूँ रे। अभी तक बात कर रहे हो? मुझे तो डाउट हो रहा है, तुम्हारे पास पैसे है या नहीं? है ना यार। तो अभी ले आओ। लाता हूँ ना। ओके, तुम वेट करो, जल्दी आना। हाँ, यहाँ तक खुशबू आ रही है, क्या लगाया? नॉटी, जल्दी से पैसे ले आओ। अभी आता हूँ। अरे देवा, अब हमें 5 चाहिए, कौन देगा? अब बाप से मांगूंगा तो मार ही डालेगा। अब तो यही रास्ता है, चलो उठा ले। एक बात बता रहा ना, वो तारा तो तुझे प्यार करती है ना, तो तू ईशा के पीछे क्यों पड़ा है? ये अंतरात्मा की बात है बेटा। बेटा बोला तूने? भैया बोल। ठीक है भैया, ईशा ने मुझे दिल दिया है, शादी से पहले ही उसने मुझे खुद को सौंप दिया है। क्या, कितनी बार बे? बदमाश कहेंगे, तुम नहीं जानते क्या? तुम भी तो मेरे साथ 4 बार गए थे ना। चुप कर बे, लड़की के पास कोई अंतरात्मा के साथ जाता है क्या? वो क्या है ना भैया की, अरे चाहिए तो घर ले जाओ, घर में इस्तेमाल कर लेना। नो सर। वो ना तारा, एक्चुअली ना मुझे थोड़ा अर्जेंटली बाहर जाना है, 1 घंटे में आ जाऊंगा, तुम यहीं रुकना। नहीं सर, मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ, ये सब होने के बाद मैं चली जाऊंगी। ओके अच्छा, तो कल रात को बहुत देर तक रुकना होगा मेरे साथ, हमें बहुत सारा डिस्कस करना है ना। हाँ ओके, क्यूट गर्ल, स्वीट गर्ल, फैट गर्ल, बाय। ए, कितने प्यार से कह रहा हूँ, बाय तो कह दो ना। बाय, सो क्यूट। हे भगवान, इसे तो कल जरूर। बाय। अरे बाप रे बाप, ये आ गया। मेरी कार तो नहीं दिखी ना? जा रहा है, जा रहा है, चला गया, जय भी चला गया। चलो भैया, 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 आखिर ये अंतरात्मा कहाँ गया? वो भी चला गया होगा। अबे ओ राना, हम जो काम करने जा रहे हैं ना, वहां अंतरात्मा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये बात इसे बताऊं या नहीं, ये मुझे समझेगी या अपने बाप को जाकर बोल देगी, देखते हैं। हाय राना, तुम यहाँ कैसे? तो और कैसे आऊँ, और कैसे आ भी सकता हूँ? ये सारे कपड़े उतार के चड्डी पे आऊँ क्या? अरे दर्द, तुम इस टाइम यहाँ कैसे? हाँ, और तुम इतने टाइम तक घर क्यों नहीं गई? इतना टाइम हो गया क्या? हमारे नए बॉस ने स्टॉक चेक करने को कहा। बेचारा, मेंटेनेंस के बारे में नहीं जानता है ना? मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो हेल्प कर रही हूँ। अगर वो बेचारा है ना, तो उसका पाप तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। जय की शादी हो गई क्या? बेवकूफ लड़की। ठीक है छोड़ो, मुझे कुछ बात करनी है, जाओ। नहीं आनी प्लीज, शॉप बंद करके चलते हुए बात करेंगे, अंधेरी रात में ठंडी हवा के बीच, तुम्हारी कमर पकड़कर, तुमसे लिपट कर चलते हुए, तुम्हारी बारे में प्यारी प्यारी बातें करते हुए। और फिर मेरा बाप मुझे देख ले, और जब मैं घर जाऊं तो वो मेरी वाट लगा। अरे मैं तुमसे बात नहीं करती। देखो बात वो नहीं है जानू, उसने मुझे फोन किया था। किसने? ईशा ने। तो फिर
उसने कहा वो पेट से है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। उसमें क्या देखकर ऐसा कर दिया? वो क्या झकास दिखती है यार। तो मैं अच्छी नहीं हूँ ना? मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है? पता नहीं क्यों मैं उसे प्यार करने लगा। तो मुझसे प्यार नहीं कर सकते थे? मुझ में क्या कमी है? अरे तुझमें कोई कमी नहीं है। अच्छा छोड़, अबॉर्शन के खर्चे के लिए कुछ पैसे मांगे हैं। कितने? यही कोई 5 लाख। 5 लाख? अबॉर्शन अमेरिका में करवाएगी क्या? देखो वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। हे भगवान। अरे यार सुनो तो, सुनना, उसने कहा शादी करनी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब तुम उससे शादी भी करोगे? देवा 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 देवा। प्यार तो शादी के लिए ही किया था ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर इंद्र देवता ने बारिश न करवाई होती, वो बारिश हो गई थी ना, और ठीक उसी समय पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कृपा से बिजली भी चली गई थी। रेन इफेक्ट और लाइट इफेक्ट दोनों काम कर गए, और अबू कह रही है कि उसे पैसे चाहिए। सॉरी, स्टोर बंद है। ए, बोर्ड नहीं दिखता, क्लोज्ड। इन्हें तो मैं देखता हूँ। ओए, तुम लोग को बोर्ड नहीं दिखता क्या? सर, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। सेल्स नहीं होगी, कह दो उसे। देखिए मैडम, प्लीज 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 मैडम, प्लीज मैडम, अंदर आने दूं क्या? सर, आपके घर में भी बड़े बूढ़े होंगे ना। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, जल्दी लेके जाइए। थैंक यू। ये राणा जैसा दिख रहा है ना। सर, हम लोग त्रिमूर्ति के दोस्त। ये लोग भगा देंगे, चल ना। ओ हाय, व्हाट्सअप थॉम साहब, वो चाहे कैसे भी हो, तुझे क्या पड़ी? कहाँ गई मेरी नमकीन? आ ये रही। चिप्स ओके, सोडा ओके, अब और क्या लूं? एनर्जी ड्रिंक, इसे पीकर तो मैं चित्रांगी को ना। दीपक, हाँ ये तेरे। इसे क्यों दूँ, वो तो दरबारी है। अब आ जा जल्दी। आया यार। हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दीपक के लिए, ये मेरे लिए, ये फैमिली पैक भी मेरे लिए, तो त्रिमूर्ति के लिए ये एक ही काफी है उस कमीने के लिए। लास्ट टाइम भी उसने वेस्ट कर दिए थे। तारा, किसी से भी पैसे मांगो मना कर देते हैं, इसलिए मैं। क्या हुआ? नमकीन 2 पैकेट, ये चिप्स, मूंग की दाल 3, 2 सोडा, लेस के पैकेट, जल्दी कर बे। ये रहा कोक, 3 कोहिनूर, ये रहा बिस्किट। कोहिनूर? अरे ये क्या, आईसीयू वाले को ये सब चाहिए? वो क्या है कि पापा बीमार है, मैं तो ठीक हूं, इसीलिए हम लोग बाहर बैठकर टाइम पास करेंगे ना। इसीलिए ये क्यों? पापा की आखिरी इच्छा है साहब। पापा ने कोहिनूर डायमंड मांगा था, कोहिनूर नहीं, समझा कर? ओ मैडम, हमें पापा को बोतल चढ़वानी है, जल्दी करो ना। जल्दी करो। लेकिन यार वो लेकर आएगी ना, हम क्यों खरीदें? उसका भरोसा नहीं है यार। 320 420, दे दे 320, ये ले जाओ। ओके बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। आने की जरूरत नहीं है, जाइए मूव। ये लो टिप के लिए चिल्लर नहीं चाहिए। तुम्हारी मेंटालिटी के हिसाब से तुम्हारे पास ही रहना ठीक है। चिल्लर, बाप रे। मस्त आइटम है, रात को मजा ले लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो ईशा के पास नहीं है क्या पैसे? उसके पास होते तो मुझसे क्यों मांगती? जो भी चाहिए होता है उसका बाप खरीद के दे देता है, बस हाथ में पैसे नहीं देता है। तुम्हारे पास भी नहीं है? उसका बाप तो तब भी ठीक है, मेरे बाप तो बिना सही रीजन जाने कुछ देता ही नहीं है। तुमने अपने डैडी से मांगे? हाँ मांगे, पूछा इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए, कोई दांत साफ करने के लिए थोड़ी मांगे। ऊपर से उससे ही शादी करने की जिद कर रखी है मैंने घर में। अगर ये रीजन बताकर पैसे मांगे तो मुझे डर है कि वो उसके कैरेक्टर को गलत ना समझ ले। तो फिर अब किससे मांगोगे तुम? हे भगवान, मेरे पास कहाँ है पैसे? वहाँ पर, काउंटर के पैसे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, तारा, मैं नहीं तारा, कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। 1 रुपए भी कम हुए तो मेरी नौकरी जाएगी। तुम्हें ना वो ब्लैकमेल कर रही है, छोड़ दो उसे प्लीज। मुझे ये नौकरी चाहिए यार, घर बनाना है, बहन की पढ़ाई। कह दो कि यहाँ चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई कह दो? अब मैं यहाँ चोरी करने वाला हूँ। ये देखो, समझ गई मैं। रुको ना, मैं सब समझ गई अब। तुम ना पागल हो गए हो। पैसे पाने का और कोई रास्ता नहीं तो? है मुझे गोली मार कर ले जाओगी क्या? हाँ तू मेरी रानी है ना,
मुझे मुझे मारकर शादी कर लोगे ना तुम? हाँ मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, एक थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। उस जय को फोन करना, बोलना कोई बंदूक दिखाकर पैसे ले गया, प्लान कामयाब हो गया। मैं उसके लिए झूठ क्यों बोलूं? नहीं होगा, मुझे ना करके उससे प्यार किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसके पीछे पड़े ना, उसके लिए मैं रिस्क क्यों लूं? मेरे लिए तो रिस्क ले लो ना। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी तुझे तो ना? क्या हुआ, तू तो बिल्कुल भी नहीं डर रही है यार। तेरा बॉस कैमरा लगा के गया है क्या? नहीं है, जल्दी से शूट करो, मुझे और भी काम करने हैं। काम तेरी तो मुझसे नहीं हो रहा, एक काम करो तुम ही खुद को मार लो। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कुछ भी करने वाली मैं अकेली हूँ, और ये बात तुम भी जानते हो। ओ मेरी जान, तू सच बोलेगी तो क्या वो स्टोर तेरे नाम कर देगा या तेरी सैलरी बढ़ा देगा? तारा मुझे वो पैसे चाहिए। अरे देवा, ईशा, ईशो, ये कैसे आ गई? तुम इसे भी अपने साथ लेकर आए हो? मैंने इसे यहाँ से भेज दो, भगा दो इसे, मुझे इसे नफरत है, नफरत है मुझे। तू चुप रहेगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी नहीं है, उसे कुछ मत कहना, मैं उसे मैनेज कर लूंगा, इस गन को छुपा ले। हाय ईशु। हे ईशु। हाय हाय राणा, तुम यहाँ कैसे? अरे देवा देवा देवा, कम तुमसे कुछ बात करनी है। ईशु मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? यारे मुझे गाली दे रही थी ना। अरे देवा देवा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा ईशा? वो कांच तुम्हारी आवाज जरूर रोक सकता है, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन को फिल्टर नहीं कर सकता। राणा चलो। मैं अभी आया, तुम यही रहना, वो गन संभालना। क्या हुआ, मेरी याद आ गई थी क्या? पैसे मिले क्या? मैं तुम्हारी जरूरत समझता हूँ, मैं उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कल सुबह तक पक्का हो जाएगा, ठीक है ना? चुपचाप से अपने हाथ ऊपर कर लो, वरना ये गोली तेरे सीने की और पार हो जाएगी। कितने दिन हो गए तुझे नहाए हुए? रहने दे, हाथों को नीचे कर ले। गन तेरे पास रहे तो इल्लीगल, मेरे पास रहे तो लीगल। तूने बंदूक चलाई तो हत्या, मैंने की तो रक्षा। कब आया ये जरूरी नहीं, गोली चली या नहीं ये जरूरी है। टिश्यू टिश्यू। देवा 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 देवा, क्या हुआ, ये क्या किया? शाहरुख सलमान ओके, सलमान ऋतिक ने भी ठीक ही किया, हा? जेम्स बॉन्ड से भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैकी चैन ने कौन खराब कर दिया? ये लोग कब आए, तुम इसे मारना चाहती हो क्या? अयो देवा, जल्दबाजी में चल गई ना। हाँ चलो इधर दो। यीशु तुम यहाँ रुकी तो ये तुम्हें मार डालेगी, तुम निकलो। वो बाहर बहुत ठंड लग रही है, अपनी जैकेट दो ना प्लीज। श्योर। उसके बारे में ज्यादा मत सोचना, वो पागल है। ओके मैं कल मिलूंगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? अरे देवा 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 देवा, इसके पैसे भी मेरी तनख्वाह से कटेंगे। ये भी हमारे फायदे के लिए हुआ है, तुम बोलना तुम्हें चोर ने डराने के लिए ऐसा किया है, तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तुम थोड़ा चुप रहोगे तो मैं अपनी नौकरी तो बचा लूंगी। ये देखो गोली की आवाज सुनकर पुलिस कंप्लेंट हो गई होगी, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी, तब तक मैं पैसे लेकर चला जाऊंगा। प्लीज बोलो कैश कितने? ए, पैसे नहीं है वहाँ। मेरी बात समझो यार। पैसे नहीं है वहाँ। तुम समझ क्यों नहीं रही, इस पैसे से मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी,
चाहो तो 2 लाख ले जाकर तुम्हारी बहन के अकाउंट में डाल देंगे उसकी पढ़ाई के लिए, और बाकी पैसे मैं सेटल होते ही यहाँ लाकर रख दूंगा। प्लीज मान जाओ, कह दो ना ठीक है। ठीक है, सब पैसे तुम ही ले जाओ, मुझे चाहो तो बाद में दे देना। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। राणा अब क्या हो गया? मैं सिर्फ पैसों के लिए ही राजी नहीं हुई हूँ राणा, किसी और से शादी करके मैं वैसे भी दुखी रहने वाली हूँ, लेकिन कम से कम तुम तो अपने प्यार से शादी करके खुश रह सकते हो ना। तारा जाना। राणा जाने से पहले काम करोगे? कौन सा काम? मुझे शूट कर दो। क्या कहा? अब पुलिस और जय आएंगे, ना जाने क्या क्या सवाल पूछेंगे, तब जवाब देते समय कुछ गलत बोलने के भी चांस है ना। मुझे चोट लगी होगी तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और डाउट भी नहीं करेगा। तुझे शूट करना होगा, तू पागल होगी क्या बेवकूफ? प्लीज प्लीज मुझे ये नौकरी चाहिए, इसे बचाना है तो हमें ये करना ही होगा। मैं नहीं कर सकता, प्लीज ना मुझसे मत कहो। अगर ये नौकरी चली गई तो घर नहीं बनेगा, माँ का इलाज भी नहीं होगा। अगर ये नौकरी हाथ से जाती हुई दिखी ना तो मैं पुलिस को सच बता दूंगी। नो यस, तू एक सोते हुए शेर को जगा रही है, बोल यहाँ मारू ना, बोल मार दू। मुझे मारना चाहते हो ना, या फिर यहाँ मार दू। समझ गई, मैं तुम्हारा प्लान समझ गई, अब मेरी जान भी जाएगी और बाद में मेरी नौकरी भी जाएगी। मरने के बाद नौकरी का क्या करेगी बेवकूफ लड़की? ठीक है अब बताओ मैं क्या करूँ। तुम यहाँ लेफ्ट में आओ, प्लान करके शूट करो, बिल्कुल एक असली चोर की तरह सोचो। ओके जैसे मैं असली चोर हूँ। हाँ लेकिन इशू के लिए चोरी करने तो आए ना। इशू की बात मत करो, आप कहाँ मारना है ये बताओ, बालों में? नहीं हाथ पर, नहीं कंधे पर, लेकिन हड्डी पर नहीं लगनी चाहिए। ओके और कहीं तुम्हारे दिल में छेद हो गया तो? दिल हाथ में नहीं होता, तो फिर इधर होता है। पता है मैंने बचपन में केमिस्ट्री की किताब में पढ़ा था। यहाँ मारना है ना, यहाँ पर, यहाँ पर चलाऊ ना? चला दो शोर ना, शोर। मम्मी पकड़ते ही दर से चिल्ला रही हो, छेद हो गया तो मर मत जाना। मैं नहीं मरूंगी, चलो। देखो तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें डर लगेगा, किसी और बारे में सोचो। क्या सोचूं मैं? हाँ हिंदुस्तान टाइम्स ज्यादा अच्छा है या मिड्डे ज्यादा अच्छा है, सोच कर बताओ। ओके ओके देवा ये मुझसे नहीं हो रहा, मेरी आंखों में देखो। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो? मैं ईशा से प्यार करता हूँ। हाँ उसे ही, मेरे अच्छे दोस्त हो तो जल्दी शूट करो। अपनी स्लिप हटाओ, 3 तक गिनूंगा। 3 तक? यस 3 तक। ओके सॉरी आई एम सॉरी। हाय भगवान, 3 तक गिनती करने को कहा था ना। अगर अचानक गोली चलाओ ना तो डर बिल्कुल नहीं लगता। जा तुम। सॉरी तारा मैं पट्टी बांध देता हूँ, ये फटेगा नहीं। कॉटन का है? वहाँ कॉर्नर में। तुम जाकर फोन लेकर आओ। रुको ना ये निकल नहीं रहा, लेकिन फोन किस लिए? बंसी राइट पर फोन करो। मैं तो चोर हूँ ना, मैं कैसे फोन करूँ? अरे मैं बात करूँगी। चिल्लाओ मत, कहाँ है? वही बाजू में, वहाँ पर देखो। कहाँ पर? उसके बाजू में। किसके बाजू में? पैसे कहाँ होते हैं ये जानती हूँ, फोन कहाँ होगा ये नहीं पता तुम्हें। यहाँ किसने रखा ये? हाँ रिंग जा रही है, रिंग जा रही है। मैंने नंबर कौन सा लगा दिया? 108 पे लगाया होगा, और कहाँ। हाँ रिंग हो रही है, ये लो बात करो बात करो। हेलो 108 इमरजेंसी सर्विसेज, हेलो हेलो आपको कैसी मदद चाहिए? चोर ने मुझ पर गोली चलाई, मैं अकेली हूँ यहाँ, अब जल्दी आ जाइए प्लीज। ओके ओके एड्रेस बताइए प्लीज। हाँ नोट कर लीजिए, विजेता सुपरमार्केट शांतिनगर कॉलोनी। मैं जाऊँ ना, ख्याल रखना। सॉरी कीस फंसा दिया ना मुझे, यहाँ पैसे तो मिल गए लेकिन कीस तो गई ना, यहाँ रुकेंगे तो पुलिस, नहीं रुके तो कीस गई। ये क्या, कार की विंडो तो ओपन है,
थैंक यू ईशु। ओके कूल, ओके कूल, अभी तक तो सब अच्छा रहा। कूल, माय गॉड, मुझे इसी वक्त निकलना होगा। क्या बात है, यहाँ जैकी कार? हमें उससे क्या मतलब, साले के पैसे तो उड़ा ही लाया। इससे पहले वो देखे, यहाँ से निकल लेते हैं। ओके ओके, मैं वो सब नहीं जानती, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पहले तुम यहाँ आ जाओ, मेरी बात सुनो। ईशा, हाँ? मैं पैसे ले आया हूँ। मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। ओ, 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 टूल किट। ये क्या, लगता है किसी ने बैग की छानबीन की है। सामान तो सब ठीक है। बॉलिंग बॉल कहाँ है? अंदर रख के बैग को छुआ किसने? ईशा, पीछे जाओ। ईशा उठो, देखो मैं हूँ, उठो। ईशा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। देखो देखो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये पैसे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैंने तो देखा ही नहीं था। हुआ क्या अचानक से? क्या कर दिया तूने? ये कैसा घर निकाल ली। ए, चल चल चल, गाड़ी घुमा, चलो चलो चल यहाँ से। नीचे फेंक दो, दूर हटो, हाथ सर पर रखो, कम ऑन, डोंट मूव। ए, कुछ मत कहो, जो भी कहानी सुनानी है वो पुलिस स्टेशन में सुनाना, अगर पूरी ना पड़े तो परसों कोर्ट में सुनाना, वरना मीडिया वाले जब आएंगे तुम्हें हीरो बनाने के लिए तो उनको सुनाना। मूव, चलो कम ऑन, बैठो सर, सर बचाकर। हेलो बीटू। हेलो कंट्रोल रूम। बस स्टैंड के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, हालत बहुत ही खराब है, अर्जेंट एम्बुलेंस भेजो। ओके सर, मैं भी भेजता हूँ। ओवर।
मैं तो इसे बॉम्ब समझकर डर गया था। उसे देखते हैं। वो तुम्हारा है क्या? क्या सर? वो जो कटकर वहां पड़ा है। अच्छा ठीक है, क्या हुआ था ये बताओ। दो लड़कों ने टक्कर मारी सर। किसने? उन्हें इससे पहले देखा था सुपर बाजार में। ओहो, सुपर बाजार में। तुम्हें किसी ने सुपर बाजार में देखा था ऐसा फोन करके बताया था। वहां पर तुम चोरी कर रहे थे, क्या यह सच है? फोन किसने? वहां काम करने वाली लड़की पर तुमने गोली चलाई और फिर पैसे लेकर भाग गए। सही कह रहा हूं ना? किसने कहा सर? तारा, अरे अबे, तो तुमने फोन किया था? एक काम कर, इसको पकड़। यहाँ चलो उठाते हैं, मैं थोड़ा यहाँ से। हाँ देखिए मिस, आप पर गोली चलाने वाले को पकड़ लिया और वो वैन में है, आइडेंटिफाई करेंगी आप? वो मिल गया, राणा मिल गया आपको? राणा? उसका नाम तुम कैसे जानती हो? सच सच बताओ। राणा को मैं प्यार करती हूँ। ओहो, तो तुम दोनों ने प्लान करके रॉबरी की है। दीवा, 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 दीवा। भगवान को मत बुलाओ, वैन में इतने लोगों की जगह नहीं है। चलो। हाँ? नहीं दर्द है, ये पकड़ो। चलो। ये क्या मैं छोड़ने? जिस लड़की को एम्बुलेंस में लाते हैं उसे ही पुलिस वाला लेकर अपना काम है क्यों? इधर ध्यान देना। चलो। ये लो, ये तो गई। साथी चोर, हाँ? वेट करो यहीं, आता हूँ। फंसा दिया ना? पुलिस को फोन करके? मैंने। ठीक है, लेकिन तुम क्यों फंस गई? मैं सारा इल्जाम तुम पर डालकर भाग सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ना मैं ईशा जैसी नहीं हूँ। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। ईशा के बारे में बात मत करो। क्यों? ईशा मर गई, इस बात का दुख हो रहा है। अगर वो नहीं मरती तो मैं उसे मार देती। वो मैं जानता हूँ ईशा, ईशा वो एक्सीडेंट में। रोने की जरूरत नहीं है, ये फोटो देखो। तुम्हारे कैश ले जाने के बाद ये कैश काउंटर में मिली। मेरे बॉस के साथ भी चक्कर था इसका। अरे सुनो सुनो, वहाँ पर एक बॉडी पार्ट है, जाकर उठा लो उसे। है? क्या है सर वो? अरे मर्दों का वो है यार, वहाँ 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 पर है। अरे क्या है? जाओ जाकर उठा लो। बोल रहे हैं? लेकिन है क्या सर वो? अरे बोला ना मर्दों का है वो, जाओ ना वहाँ पर है, जाकर उठाओ। जाओ 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 जाओ। आपको नहीं चाहिए क्या? हेलो भाई, चलो लेकर आते हैं, पता नहीं क्या। उसने तुम्हें धोखा दिया है। हेलो बीटू। यस सर। दोनों को हिरासत में ले लिया है। यस सर। उस वैन से टक्कर मारने वाले दो लड़कों के बारे में थोड़ा सर्च करो। यस सर। उन दोनों में से एक का बॉडी पार्ट अभी अपने ही हाथ में है। ओवर। पास के फ्लाईओवर में कोई एक्सीडेंट हुआ है सर, एक लेडी ने फोन किया था, उस केस को भी अटेंड कर लीजिए। हाँ ठीक है। दारू पीकर ठोका होगा किसी ने। तो चले भाई। ड्राइविंग आती है ना आपको? आम तौर पर आदमी बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। नहीं शायद वो भी नहीं, समय के हिसाब से बुरा या अच्छा बनने की कोशिश करता है आदमी, ऐसा मैं मानता हूँ। राणा और तारा ये लोग 90% अच्छे हैं, लेकिन समय के हिसाब से बाकी के 10% बुरे बनने वाले इंसानों में से हैं। इनके अलावा कुछ और भी तरह के लोग हैं हमारी इस कहानी में। हाय शालू। हाय। क्या कर रही हो? तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे वो नहीं, तुम हो कहाँ अभी? फोन के बाजू में हूँ ना। स्टूपिड। हे सॉरी सॉरी, बुरा मत मानना। वैसे कल का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सी, मैं कल घर से जंप करने वाली हूँ। क्या कहा? भागने वाली हूँ। वाह इंटरेस्टिंग, जय के साथ ना? नो। तो फिर राणा के साथ? नहीं यार,
ना जय है ना राना है, तुम फिर किसके साथ? सच बताओ? हाँ यार बहुत टेंशन हो रही है, बताओ वो ना। दोनों ही मुझे भागने के लिए, क्या कहा, नए लवर के साथ सेटल होने के लिए फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस कर रहे हैं तो क्या? सच में? अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो एक राज बताती हूं। ट्रस्ट मी यार। ओके, उन दोनों को उनके ही जरिए प्रेग्नेंट हो गई हूँ ऐसा कह दिया मैंने। वो मान गए? हाँ वो मान गए, पागल कहेंगे। क्या होगा? दोनों 5-5 लाख फाइन भरने के लिए तैयार हैं। वो क्यों? मेरे साथ सोने के लिए। यू डर्टी डेविल, आइडिया तो बहुत अच्छा है, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं भी यही करूँगी। वैसे तुमने बताया नहीं शादी करने वाला बकरा कौन है? एक मिनट। हाँ कोई आया है क्या? नई पार्टी आई होगी ऐसा लगा था, लेकिन ये तो पुरानी पार्टी है यार। कौन है वो पार्टी? एक नई पार्टी को मैंने कंफर्म किया है ना, इसीलिए अब इन पुरानी पार्टीज को छोड़ने का सोचा है। अच्छा। एक्चुअली आई एम इन लव विद दैट गाय। ये तो फाइनल है ना? हाँ यार। और जय और राना का क्या होगा? डेफ एंड डम्ब। ओके मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। उस पुरानी मूर्ति का क्या करोगे अब? ओए वो ताऊ जी की मूर्ति है। माफ करना साहब, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है साहब, लेकिन वो टूटी कैसे? बच्चे लोगों में से किसी ने खेलते हुए स्तर तोड़ दिया। ठीक है कल तक मैं सही कर दूंगा। देखो कल उसे ठीक करना ही होगा। हाँ पक्का हो जाएगा सर। वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी गिरा दूंगा और वहीं लगा दूंगा। अरे ऐसा क्यों बोल रहे साहब? तुम जरा होल्ड करो। ए ईशा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? डैड बाहर जाते वक्त किसी को टोकने से काम बिगड़ जाता है ना, 5 मिनट्स में आ जाऊंगी। वो आया होगा ना? मैंने कहा था ना तुमसे कि वो यहाँ आएगा तो मैं उसे मार दूंगा, फिर क्यों आया यहाँ? मैंने ही बुलाया है। वो हम लोगों के जैसा नहीं है ईशा। अरे तुम उसके बारे में नहीं जानती हो। मैं जानती हूँ। अगर वो मुझे दोबारा दिखाई दिया तो मैं उसे मार डालूंगा, याद रखना। अगर वो ऐसा कुछ काम करेगा तो मैं खुद उसे मार डालूंगी। आर यू हैप्पी? हाँ तुम बोलो। हाँ सर वो। जब भी तुम मुझे किस करती हो तो मेरा मुंह बन जाता है। हाँ, लाए हो ना? नहीं लाया तो? हाँ, तो कल तुम्हारे पापा की शॉप के सामने टेंट लगाकर बैठ जाऊंगी। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा। तो अब लाओ दो। 10 मिनट के लिए पार्क में आ जाओ ना, बहुत अंधेरा अंदर। हाँ, डैडी से मैंने 5 मिनट में वापस आने को कहा। अंदर है? ए नाग बाबू। कहाँ? और नहीं तो क्या, 5 मिनट तो तैयारी में निकल जाएंगे। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी 3 मिनट में एडजस्ट करना पड़ता है, अब क्या करें? 3 मिनट्स? 3 मिनट्स? 3 मिनट्स में तो तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते हो, ट्राई कर लो। ए ईशा रुक जाओ, रुक जाओ ईशा, रुक जाओ ईशा वरना पापा को बुला लूंगा। ईशा ए जे, कैच मी इफ यू कैन। 3 मिनट में पकड़ कर दिखा मुझे। जय ना रे ना 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 पकड़ लोगे ऐसा सोचा था, लेकिन तुम तो यहाँ कर बैठ गए। मुझे पता था तुम वापस आओगे। झूठ मत बोलो, ये कहो कि तुम थक गए हो। वैसे भी बाद में तो थकने ही वाले हैं, सोचा पहले से ही क्यों थकूं। पता है ना मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। मरने के बाद तो आओगी ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। मामला बदल रहा है। तो तुम नहीं आओगे? मूर्ति की कसम नहीं आऊंगा। ये कौन है? तुम्हारे दादाजी, पार्क में मूर्ति बनी है ना। ऑफ कोर्स मैं बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ, जब तक मैं नहीं आता तब तक टच नहीं करूँगा। टच किए बिना कैसे रहोगे, मैं भी देखती हूँ। दिखाओ ना। जरा 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 जरा
ए मन है बहका सरा सरा, ए दिल है धड़का सरा सरा, मुझे छू कर देखो ना सरा सरा, तू लगा निशाना सरा सरा, तेरे पास तो आना सरा सरा, अब प्यास बुझा दो ना तो डॉन कितनी बार देखी है तुमसे, अच्छा तो प्रियंका नाचती है। एक काम करे, क्यों ना हम लोग वो वाला गाना गाए, 5 मिनट के लिए कहा था ना, गाने में ही 10 मिनट निकल गए, अब क्या करें हम लोग, लड़कियां सच कब बोलती हैं। हाँ, ये क्या किया तुमने, हाँ मुझे धक्का दे दिया, अब बाकी के किस तुम्हारे दादाजी देंगे। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लग गया क्या, यहाँ नहीं यहाँ लगा है, कौन सा एक्सप्रेशन दूँ समझ में नहीं आ रहा है, चलो वो सब छोड़ो तुम जाओ टाइम हो रहा है। वो पैसे, पैसे ना ले लो। अच्छा ये बताओ कब करवा रहे हो, क्या एबॉर्शन, कहीं नाटक तो नहीं करे, कल दिल्ली जाकर। दिल्ली में क्या मुंबई में नहीं होता, आप सबको पता चल जाएगा ना इसीलिए। ओहो, तो तुम ये सोच रही हो काउंटिंग बाद में करना, पहले डेटिंग कर लो उसके बाद काउंटिंग, ओके बैठो बैठो ना, ये हुई ना बात। व्हाट हैपेंड, ओ सॉरी जानू इमोशन में, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी। कार में थे ना तब राणा ने देख लिया और जय को मारने के लिए पा की तरफ ले गया है। क्या कह रही हो तुम, मुझे डर लग रहा है, हो जाओ अब मैं क्या करूं। इशु पहले पुलिस को फोन करो। ना 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 मुझे कुछ सोचने दो, मैं फोन करती हूं। टेंशन मत ले, मैं कर देती हूं। राणा ने जय को मारा ये बोलने के लिए शालू की गवाही काम आ सकती है। इशु गुड, जय के साथ साथ राणा से भी पीछा छुड़वाने का यही अच्छा मौका है। राणा, हाँ, गुड बाय जय। चला गया वो? हाँ चला गया। अच्छी बात है, अब जाकर सो जाओ। अरे बाप रे, कहाँ है, कबट में होगा शायद। गॉड, जहाँ रखती हूँ वहाँ मिलता ही नहीं। कुछ चाहिए क्या बेटी? नथिंग डैड। ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा? अपना हाथ दिखाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये खून ही है ना? I'm okay, पापा।
ईशु, ईशु, उसने तुम्हें मारा क्या? बताओ ना बेटी, आखिर बात क्या है? ईशु कहाँ है यार? क्या हुआ? तुम कुछ कुछ बताती क्यों नहीं? डैडी, मेरी बाइक की चाबी देखी आपने? अब नहीं तो? ओहो, मैं आपकी कार ले जा सकती हूँ क्या? बेटी क्या हुआ, कुछ तो बताओ। डैडी प्लीज, थैंक यू। कार की बैटरी ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। ओके, मैं देख लूंगी। ईशु, जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मुझे बता देना। ईशु, इतनी रात को अकेली लड़की क्या कर रही है? अब तो पूछ ही लेते हैं क्या बात है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मस्त है बे। हाय, हेल्प चाहिए क्या? नो थैंक्स। रात है ना, सोचा हेल्प चाहिए। चलेगी यार। आई मीन कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? सॉरी। डीजल की गाड़ी है, ठोगी। छोड़ दे बे। ये राणा की आइटम है। वो कौन है? अभी उसे सुपरमार्केट में देखा था ना। वही राणा सुपरमार्केट में? हाँ, अभी हमने उसे देखा था वहाँ। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, अच्छे से चेक करना भाई, तुरंत चल पड़ेगी। एक बार आप चेक कर लो, ये स्टार्ट हो जाएगी। चल भाई, चलते हैं। राणा कहाँ है ये बताने के लिए थैंक्स। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ राइड पर जरूर चलूंगी। चल यार, बाय बाय। इस वक्त ये सुपरमार्केट में क्या कर रहा है? अब हमें दोबारा कहाँ मिलने वाली है यार। बाय। चाहिए यार। ईशा, ये यहाँ कैसे आ गई? हाय शु। हाय। हाय। तुम यहाँ इस वक्त? तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों रे, मुझे गाली दे रही थी ना? तुम्हें ऐसा लगा क्या? राणा, चलो। मैं अभी आया, तुम यहीं रुको, गन संभाल कर। हाँ। क्या हुआ? याद आ रही थी मेरी। पैसे मिले क्या? तुम्हें जरूरत है, मैं जानता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, कल सुबह तक पक्का हो जाएगा। ओके 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 ओके। क्या हुआ, क्या किया तुमने? जेम्स बॉन्ड से प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैकी चैन ने सब गड़बड़ कर दी। उसे मारना चाहती हो क्या? जल्दबाजी में चल गई ना। हाँ ठीक है, इधर लाओ। ईशु, तुम यहाँ रहोगी तो ये तुम्हें मार देगी, तुम निकलो। वो बाहर बहुत ठंड ठंड है।
अपनी जैकेट दोगे प्लीज? श्योर। उसके बारे में मत सोचना, वो पागल है। तुमसे कल मिलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय। मैंने तो तुम्हें फंसाने का सोचा था, लेकिन तुम तो खुद ही फंस गए हो। अब पुलिस को फोन करके। हेलो क्राइम स्टॉपर। यस। कॉलोनी के सुपरमार्केट में एक आदमी ने ड्यूटी पर एक लड़की को गोली मार दी है। आप कौन है? वो कैसा दिखता है, क्या कुछ बता सकती हैं? ब्लैक जीन्स, ब्लू टी शर्ट, 6 feet हाइट, लाइक दैट। राणा आउट। ठीक है, पैसे मिले क्या? वरना तुम लेकर नहीं जाओगे क्या? मैंने कहा था ना, प्यार से घर नहीं चलता बेटा। हम दोनों को यहाँ से भागकर जिंदगी बितानी है तो दोनों में से किसी के पास तो पैसे होने ही चाहिए। हाँ या नहीं? उन्होंने देने से मना कर दिया क्या? जैने दे दिए हैं।
लेकिन राणा राणा को पता चल गया क्या कि तुम्हारा झूठा प्रेगनेंसी का नाटक है? ठीक है, तुम हो कहाँ भी? मैं सिटी से आ रहा हूँ वापस, तुम्हारे कॉलोनी के पास ही हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? तुम कहाँ ये बताओ, मैं आता हूँ। मैं घर के पास हूँ। ठीक है, आता हूँ। तुमने ड्रिंक की है ना? बोलो, ड्रिंक की है ना तुमने? मैंने ड्रिंक किया? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ से। मैं पैसे ले आया हूँ। मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। सुनो, टूल किट। राणा आया है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। मैंने कहा था ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी में बचने वालों ने कितना कितना स्कोर किया है, आइए देखते हैं। संभाल कर देखना डॉक्टर। देखना मेरा सपना नहीं, मेरा फर्ज है। शादी हो गई क्या? एक बार हो चुकी है डॉक्टर। वही आखिरी बार है डॉक्टर। बच्चे हो गए क्या? नहीं है डॉक्टर। अब होंगे भी नहीं डॉक्टर। ऐसा मत कहिए सर। तो और क्या कहूँ, इसे ये चिपका कर असंपूर्ण आदमी बनने से तो अच्छा है लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करवा कर एक परिपूर्ण स्त्री में बदलना ठीक रहेगा, जिंदगी आराम से कटेगी। गलत हो या सही, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। जो ऑप्शन बताया वही ठीक है, बेकार में मुझे डिस्टर्ब कर दिया। इसे ले जाकर मैं अपने टॉमी को खिलाता हूँ, कम से कम उसे तो मजा आए। तो चुपचाप लेट बे। अबे ओए, अब तो तू अपनी गलती का एहसास कर, अपनी पत्नी के पास वापस चला जा। बीवी को छोड़कर किसी और के साथ मौज मस्ती करने वाले इस पी त्रिमूर्ति को जब इतना विचित्र दंड मिला है तो तेजा का क्या होगा? हेलो तेजा। हेलो हेलो त्रिशा, ये नंबर किसका है? वो ये मेरा नया नंबर है। वो हमें शादी करनी है तो पैसे चाहिए कहा था ना। अरे झोंक है क्या? हाँ, मैंने अपनी दोस्त त्रिशा से कह दिया है, उसके लेकर आते ही मैं ले आऊंगा। हेलो सुनिए जी, ओ शिट, फोन उठाइए ना। अबे ओए, फोन उठा रहा। सुनिए जी, फोन उठाइए ना। अबे ओए, फोन उठा। मैं ड्यूटी पर हूँ, फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? फोन उठाना बे। हेलो, क्या हुआ जान, ड्यूटी के समय पर फोन कर रही हो? क्यों, रात भर फोन उठाए बिना क्या उखाड़ रहे थे तुम? क्या उखाड़ रहा था मैं? दो केस पकड़े हैं पता है। ओह, किसके? ये देखो, एक तेजा नाम का क्रिमिनल पकड़ा है और दूसरी? हाँ। वो दूसरी नहीं है जान, वो एक छोटा सा नन्हा सा। क्या बोल रहे हो तुम, बताओगे नहीं मुझे? घर आकर सब डिटेल में बताऊंगा ना। ओहो, कोई जरूरत नहीं है, रखो फोन। ठीक है, रख बे। ओके ठीक है, रखता हूँ। फोन कर, गुड नाइट। कल सुबह तक मैं बाहर आ जाऊंगा, मतलब आ जाऊंगा डार्लिंग। हाँ, अरे कहाँ जाएगा रे तू? हाँ श्योर श्योर। कहाँ जाने की तैयारी कर रहा रे? सर महंगा मोबाइल है, चाहो तो आप रख लो, 20,000 तक बिक जाएगा सर। अच्छा, लेकिन लड़की की लाश भी तो मिली है ना। हाँ? दोनों केस में मैं तुझे ही फंसा कर तुझे अंदर सड़वा दूंगा। सर, हाँ? सर, हाँ? सर, तेरी तो ये दो चम्मच बूस्ट की तरह दो दो केस हो गए। अबे तेरी तीन जिंदगियों को खराब करके खुद चैन से जीने की सोचने वाले तेजा को दो दो दंड मिलना भी ठीक ही है। सर, अपनी बेटी की गलती को किसी और के सिर मरने वाले इस पिता को बिना संतान के करना एक दंड है। औरत को एक इस्तेमाल की चीज समझने वाले इस लड़के का स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होने का दंड भी ठीक ही है। भैया भैया भैया, जय भैया ने आके खोल ली। अबे जल्दी आओ, जल्दी आओ। तू अबे चिल्ला क्यों रहा है, मैं कोई हीरो थोड़ी हूँ, कमीना। वैसे तुम इतने लाल कैसे पड़ गए भाई? हाथ मत लगाओ। लेकिन भैया, ईशा मर गई तो तुम आत्महत्या करोगे क्या? ईशा मर गई क्या? मैंने आत्महत्या कर ली थी। एक और बैड न्यूज है भाई। वो क्या है? अपने मॉल से पैसे चोरी हो गए।
पैसे चोरी हो गए? कितने? 10 लाख रुपए। हाँ? क्या कहा? मैंने तो 5 ही चुराए थे। हाँ भाई, उस राणा ने 10 लाख चुराए हैं। राणा ने चुराए हैं? मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए यार। हाँ? कितने चाहिए? बस यही कुछ 5 लाख देगा ना? हाँ, राणा और तारा ने मिलकर चोरी किया है। वो तो तारा के साथ हनीमून मनाने के लिए गया है, अब वो किसी को नहीं मिलने वाला। हथकड़ी काटना है तो 2000 लगेंगे, पुलिस वालों का काम है ना। ये लो 5 लाख रखो और जल्दी से काटो इसे। हमें सजा मिलेगी क्या? पता नहीं कि हम पर क्या केस बनेगा। 2 महीने के लिए शहर छोड़ देते हैं। मेरा बाप वैसे भी पुलिस वाला है ना कुछ सेट कर ही देगा। अबे तू काम करना यार। 2 महीने? हाँ, 2 महीने। डूब गई, सब खत्म हो गया। मेरी माँ की दवाई गई, मेरी बहन की पढ़ाई गई, मेरी नौकरी, कॉलोनी में इज्जत, सब कुछ खत्म। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। तुम शादी करो या ना करो, या मुझे ऐसे ही रखो। अब कैसे पालोगे? मैं पालूंगा और तुझे। अरे भाई काटो ना इसे यार। हाँ काटता हूँ। 2 घंटे इसके साथ हथकड़ी में काटना नर्क हो गया है। जिंदगी भर शादी करके कौन फंसेगा इसके साथ? काटना। हाँ काट रहा हूँ। काटो। तुम्हें ना, खड़े हो जाओ। मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? शादी और तुझसे, तेरी तो। किसी और लड़की से प्यार करने वाले से शादी करना तारा के लिए दंड है, तो ऐसी बेवकूफ जैसी बीवी से शादी करके जिंदगी भर उसे निभाना राणा के लिए भी बहुत बड़ा दंड है।